बड़े पोल के अनुसार गुजरात में बन सकती है बीजेपी की सरकार, 99 से 113 सीट का अनुमान। हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार, 47 से 55, कांग्रेस सिमट जाएगी 13 से 20 पर। एग्जिट पोल के अनुसार हिमाचल में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, 13 से 20 का अनुमान। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सेशन में 14 नए बिल पेश होने की उम्मीद। सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी दलों ने की बैठक, चुनाव आयोग के रवैये को लेकर माथापच्ची। चुनाव आयोग ईवीएम ट्रिपल तलाक पर विपक्ष कर सकता है सरकार से दो हाथ, अमित शाह के बेटे पर भी हो सकती है मोदी सरकार की घेराबंदी। वसल ब्लोअर, नागरिकता, मोटर वाहन जैसे बिलों में होंगे संशोधन, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जजों की सैलरी वाले बिल पर भी चर्चा। सिर्फ 22 दिनों तक चलेगा शीतकालीन सत्र, 14 दिन तक ही होगी संसद में कार्यवाही, विपक्ष ने लगाया सरकार पर चुनाव के चक्कर में सत्र छोटा करने का आरोप। पीएम मोदी ने रखा लोकसभा के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव का प्रस्ताव, वक्त बचाने के लिए व्यवस्था बनाने का तर्क। आज ट्रिपल तलाक बिल पर माथापच्ची करेगी कैबिनेट, सूत्रों के अनुसार 3 साल की जेल और जुर्माने का हो सकता है प्रावधान। संगठित अपराध के खिलाफ महाराष्ट्र की तर्ज पर योगी सरकार ला रही है यूपी कोका, विपक्ष ने गैर वाजिब आशंका के मद्देनजर किया विरोध। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में बढ़ती जा रही है तनातनी, आदित्य ठाकरे बोले 1 साल के अंदर सरकार को कहेंगे बाय बाय। सुप्रीम कोर्ट की बेंच आधार कार्ड लिंक कराने के मामले में 17 जनवरी को करेगी सुनवाई, फिलहाल 31 मार्च है आखिरी तारीख। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।